मगन रहने वाली काशी में आज फिर से नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा। चुनावों में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज काशी की जनता और बाबा विश्वनाथ का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए थे। मोदी ने भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करके उनका आशीर्वाद लिया। चुनाव में प्रचंड जीत के साथ दूसरी पारी का आगाज करने से पहले पीएम मोदी आशीर्वाद पथ पर गांधीनगर में मां हीराबेन के पास जाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। गांधीनगर से प्रधानमंत्री आज सुबह जैसे ही वाराणसी पहुंचे तो सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार की तरफ निकल गए। मंदिर के रास्ते में दोनों तरफ समर्थकों की भीड़ जमा थी, लेकिन पीएम मोदी भोलेनाथ के सामने मत्था टेकने के लिए उतारे। दूसरी बार सत्ता पाने के बाद सबसे पहले मोदी ने भगवान शिव के लिए खास पंचामृत पूजा की। 2019 में मोदी को मिली चुनावी शक्ति के पीछे इस भक्ति का भी योगदान। मंदिर पहुंचकर मोदी ने आसन जमा लिया, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर भक्ति में लीन हो गए। माथे पर टीका सजाकर मोदी ने विश्वनाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शिवलिंग के ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठे, उनके ठीक पीछे अमित शाह। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री ने भोलेनाथ की पूजा की। पहले पुष्प अर्पित किए, फिर जल चढ़ाए। इसके बाद मोदी ने शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया, विशेष माला शिवलिंग को अर्पित की। दही, घी, चीनी और शहद, इन 5 चीजों को भगवान को अर्पित कर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग को माला भी चढ़ाई, प्रसाद भेंट किया। मान्यता है कि जो भक्त पंचामृत पूजा को संपन्न करता है उसे भोले बाबा की शक्ति मिलती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले इस पूजा को किया जाता है। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। अगले 5 साल सरकार को संभालने से पहले मोदी भगवान शिव की शरण में आए। परिसर में प्रधानमंत्री मंदिर समिति के लोगों से भी मिले। काशी दौरे पर प्रधानमंत्री अक्सर विश्वनाथ मंदिर आते हैं। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर योजना पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी आज तक। वाराणसी पहुंचे मोदी ने काशी की जनता को धन्यवाद तो दिया ही, दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी सरकार का विजन भी जनता के सामने रख दिया। देखिए, काशी तो अविनाशी है और जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबको अवसर, और उसका कारण है कि हम सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला कर। अगर हम वोट बैंक की राजनीति पे चलते तो शायद हम भी उसी में ढल जाते। हम नहीं ढले। देश के उज्जवल भविष्य के लिए जो आवश्यक है हम करेंगे। और गुजरात के टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों की मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर टूट पड़ी। आप और गुजरात यानी ऐसा छुआछूत का परसेप्शन बनाते चले हैं। इस चुनौती भी है, भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम पे भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं, लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने,
हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है, औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है, और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, एक इस महान विरासत को और दूसरा आधुनिक विजन को। तो विरासत के साथ आधुनिक विजन को लेकर आगे बढ़ना है और मोदी की ओर से कही गई ये बातें अगले 5 साल के लिए बेहद महत्वपूर्ण। उधर चुनाव खत्म होते ही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठ गया है। उदयपुर में संघ के कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को राम का काम करने का मंत्र दिया, तो वाराणसी से पीएम मोदी ने भी राम भक्तों को इशारा दिया है। करीब 2 महीने तक चुनावी माहौल में जिस मुद्दे पर बीजेपी, संघ और वीएचपी सब खामोश थे, नतीजे आने के बाद अचानक जैसे करंट का झटका लगा और राम मंदिर याद आ गया। 5 चरण तक हुई वोटिंग के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत किस साधना में लीन थे पता नहीं, लेकिन कल राजस्थान के उदयपुर से उनका राम नाम का जाप सुनाई देना शुरू हो गया। और राम का काम होते रहेगा, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना, राम हमने भी रास्ते आत्मा राम तो अपना ही काम है, और अपना काम खुद करें, खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है, सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी की शुरुआत से लेकर अब तक सारे चुनावों में घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से बीजेपी नेताओं के चुनावी भाषणों में राम मंदिर की ललकार थोड़ी धीमी पड़ी है। इस बार के चुनावी मंचों पर भी इस मुद्दे पर खामोशी ही छाई रही, लेकिन चुनाव खत्म होते ही खुद प्रधानमंत्री ने सन्नाटे को चीरने की शुरुआत की और दिवाली के बहाने अयोध्या मसले को लेकर विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई? अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में है और फिलहाल इसमें कोर्ट की तरफ से मध्यस्थता की कोशिशें की जा रही हैं। मध्यस्थता के लिए 10 मई को पहली बार मामले की सुनवाई हुई। मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने समाधान तलाशने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त मांगा। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को सकारात्मक मानकर वक्त बढ़ाया। एक तरह से ये मध्यस्थता पैनल अयोध्या विवाद में आपसी सुलह की आखिरी कोशिश है, लेकिन इस कोशिश के परवान चढ़ने से पहले ही बयानबाजियों को लेकर दोनों पक्षों के लोग सतर्क। जो भी काम होगा वो कोर्ट की मर्जी से होगा, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा जो है इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं ये समाज को भड़काने वाली बात है। हमें चाह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहें, जो भी बात करना हो कानून में के दायरे में रहें और बात करें। तो राम मंदिर तो रामलला की इच्छा होगी तभी बनेगा, और किसी नेता, किसी संगठन या किसी पार्टी के से कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत जी एक जिम्मेदार आदमी है, मोहन भागवत जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जो पहले ही इस मामले को हो गया है कि जो कुछ भी कोर्ट का फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मानना है, तो इस तरह के लूट पुलूट बयान देना बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। या तो ये मामला कोर्ट के द्वारा सुलझेगा या भाई आपसी भाईचारे से सुलझने का मसला था। खुद प्रधानमंत्री भी चुनाव से पहले के अपने बयानों और इंटरव्यू में कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कह चुके हैं। राम मंदिर के लिए कानून लाने की मांग कर रहे साधु संतों में पीएम के रुख को लेकर नाराजगी भी दिखी। ये नाराजगी चुनाव में भारी न पड़ जाए इसके लिए वीएचपी ने बाकायदा राम मंदिर आंदोलन को चुनावों तक स्थगित कर दिया था। अब जबकि मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी है तो राम भक्तों की उम्मीद भी पहले से ज्यादा हिलोरे मार रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह, उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़ के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। वैसे अगले साल उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या अपनी ओर से भी
कोई कोशिश करेगी पार्टी। उधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद बाबा रामदेव ने 23 मई को मोदी दिवस या लोक कल्याण दिवस के तौर पर मनाने की अपील की है। 23 मई का दिन भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन इसलिए बना है क्योंकि अधिकांश प्रांतों में 50% से भी अधिक लोगों ने मोदी जी को मत दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शुचिता का इतिहास बनाया है। इसलिए मैंने अपने मन का भाव रखा कि 23 दिन भारतीय राजनीति में एक यादगार दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसको या तो मोदी दिवस या लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने अपने बूते पर 300 से अधिक सीटें लेकर के और एनडीए की 350 से अधिक सीटें लेकर के भारतीय राजनीति में एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए 23 मई को मोदी दिवस या लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। बाबा रामदेव की बात क्या मानती है सरकार, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उधर पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबोने वाले नेताओं पर राहुल गांधी अपनी खींच पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब राजस्थान में हार के बाद गहलोत सरकार के दो मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की 25 में से एक भी सीट न पाने वाली कांग्रेस में करारी हार के बाद बवाल मच गया है। गहलोत सरकार के दो मंत्रियों ने हार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा और सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजाना ने गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई है। आज तक से खास बातचीत में उदय लाल अंजाना ने साफ तौर पर कहा कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अंजाना का इशारा टिकट बंटवारे में अशोक गहलोत की मनमानी की तरफ था। आरोप है कि पुत्र मोह में अशोक गहलोत ने पहले तो अपने बेटे को टिकट दिलाया, फिर अपनी सारी ताकत जोधपुर में झोंक दी और अपने आप को अपने बेटे की सीट तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के लिए राजस्थान में वैसा प्रचार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। वैभव गहलोत का जोधपुर से टिकट लेना गलत था। मैं जालोर से चुनाव लड़ा था 2014 में लोकसभा का, और जब अभी सरकार बनी और टिकटों की बात चली तो मैं भी 3-4 बार मुख्यमंत्री से मिला। मेरे को राहुल मांग उनकी जालोर से है, आप जालोर से चुनाव लड़ाइए, 100% जीतेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर को चुना, ये उनका व्यक्तिगत मामला था। बाकी अगर जालोर से अगर वैभव चुनाव लड़ता तो ये नतीजे नहीं आते। दरअसल जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मुकाबले में थे। उनके सामने मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत को 274,440 वोट से हराया। ऐसे में उदय लाल अंजाना का कहना है कि हार के बाद पार्टी को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने जाट नेता हनुमान बेनीवाल से गठबंधन न करने को भी एक बड़ी वजह बताया। कांग्रेस आखिरी तक सीटों को लेकर टाल मटोल करती रही जबकि बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता बेनीवाल का प्रभाव कई सीटों पर रंग लाया। बेनीवाल खुद भी नागौर सीट से चुनकर आए जबकि 24 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं गहलोत सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा भी हैरान हैं कि 5 महीने पहले प्रदेश में चुनकर आई कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में सफाया कैसे हो गया। रमेश चंद्र मीणा ने अशोक गहलोत को हार के लिए आत्मचिंतन की सलाह दी है। मैं समीक्षा की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, कारणों की जरूरत है, उसके बाद जो फैसला हो कि वही कहाँ कमी रही और क्या कमी रही, उसके बाद जो भी फैसला होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे वो सभी को मान्य होना चाहिए, उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। कांग्रेस के कलह में बीजेपी भी कूद पड़ी है लेकिन परिवारवाद को लेकर छिड़ी बहस में उन्होंने राहुल गांधी को भी घसीट लिया। राहुल गांधी स्वयं वंशवाद से ग्रसित रहे हैं और उनके हिंदुस्तान में और भी कई नेता जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं वो भी पुत्र मोह में रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं के पुत्र मोह को लेकर अपनी खींच जाहिर की थी। राहुल ने कमलनाथ, चिदंबरम, अशोक गहलोत जैसे नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उन्होंने टिकट के लिए नेतृत्व पर दबाव डाला और पुत्र मोह में पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया। राहुल गांधी की नसीहत और मंत्रियों के विरोधी सुर के बाद अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ गया है। देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक। यह खबर सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। उधर बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद आरजेडी में बगावत हो गई है। पार्टी के विधायक महेश्वर यादव ने तेजस्वी यादव का
इस्तीफा मांग लिया है। महेश्वर यादव का दावा है कि आरजेडी एक परिवार के चंगुल से बाहर नहीं निकली तो ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद रिम्स में इलाज करा रहे लालू यादव भारी तनाव में हैं। नतीजे वाले दिन तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, उसके बाद से वो अक्सर दोपहर का खाना भी नहीं खा रहे हैं। लालू इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि कहीं पार्टी की लुटिया ही न डूब जाए। इस बीच बिहार में महागठबंधन की हार के बाद आरजेडी के भीतर से बगावती सुर खुलकर सामने आए हैं। आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने हार के लिए न केवल सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया बल्कि उनका इस्तीफा भी मांग लिया। इतना ही नहीं, महेश्वर प्रसाद यादव ने ये तक कह दिया कि आरजेडी परिवार तक सिमट गई और उसे एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। देखिए, पूरे देश में परिवारवाद की हार हुई है और वही यहाँ भी हुआ। तेजस्वी जी न सिर्फ राजद के नेता थे, गठबंधन के भी नेता थे और एक भी सीट पार्टी को नहीं मिली। इसलिए सीधे सीधे जवाब दे हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र दे करके और नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र देकर, पार्टी के नेता के पद से त्यागपत्र देकर और किसी दूसरी जाति के वरिष्ठ नेता को जो है सो पार्टी का बनाना चाहिए। पार्टी रहती है तब ना कार्यक्रम पर बात होती है। प्राइवेट लिमिटेड बन गई है पार्टी एक परिवार की, उसमें न नीति है, न सिद्धांत है, न और कोई बात है, इसलिए हार हो गई। महेश्वर प्रसाद यादव बहुत पहले से ही पार्टी के भीतर परिवारवाद के मुद्दे पर मुखर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर लालू परिवार से बाहर और किसी दूसरी जाति के नेता को पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया तो पार्टी टूट जाएगी और विधायक आरजेडी को छोड़कर चले जाएंगे। अधिकतर विधायक चले जाएंगे छोड़ करके, कौन रहेगा डूबती हुई नाव पर? आगे कोई भविष्य नहीं है विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का, इसलिए सभी छोड़ेंगे, सभी निकले। आपके भी, आपसे भी बातचीत हुई है? हमारी बातचीत होती है तो अभी खुल के कोई बोला है जो हम नाम कहें? अभी तो हमसे प्राइवेट में बात करते हैं। महेश्वर प्रसाद यादव का इशारा साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई आरजेडी विधायक जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आरजेडी के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इस संकट के बीच आरजेडी कल से हार पर समीक्षा के लिए 2 दिनों की बैठक करने वाली है, लेकिन बागी महेश्वर प्रसाद यादव विधायक का कहना है कि तेजस्वी के इस्तीफे के बिना हालात नहीं सुधरेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी दबे स्वर में मान रहे हैं कि पार्टी में असंतोष है, लेकिन पार्टी की हार के लिए वो लालू की गैर मौजूदगी को भी एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। ये तो निर्विवाद सत्य है कि लालू जी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है वो हम लोगों के बीच नहीं होना, समझिए मैं थोड़ा खलता तो है, खला भी, बहुत सारे मौके पे उनकी कमी महसूस हुई। इस बार बिहार में एनडीए के खिलाफ यूपी से भी ताकतवर महागठबंधन बनाया गया था क्योंकि इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद को छोड़कर महागठबंधन के सारे उम्मीदवार हार गए। बिहार की 40 सीट में से आरजेडी का एक भी सांसद चुनकर नहीं आ सका। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अगले ही साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। 2015 में जेडीयू के साथ लड़ी आरजेडी के कुल 80 विधायक हैं, लेकिन अगले साल उसके लिए मुश्किलें बड़ी हैं। उधर लोकसभा चुनाव में करारी हार से बौखलाई विपक्षी पार्टियां हार की नई नई वजह तलाशने में लगी हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ताओं पर सही तरीके से पार्टी की बात नहीं रखने को लेकर मीडिया पैनल भंग कर दिया, तो अब ऐसी ही मांग कांग्रेस में भी उठ रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार देवाशीष जरारिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं को टीवी चैनलों की बहस में हिस्सा लेने से रोका जाए। जरारिया का आरोप है कि टीवी चैनलों में एक तरफा बहस हो रही है और उसमें विपक्ष के लिए जगह ही नहीं बची है। तो अब पार्टियां अपने अपने प्रवक्ताओं पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। उधर अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक वो भी है जिसने सुरेंद्र सिंह को उस रात गोली मारी थी जब वो बरामदे में सो रहे थे।
अमेठी की जीत के लिए दिन रात एक कर देने वाले अपने कार्यकर्ता की हत्या से हिल उठी स्मृति ईरानी का संकल्प और यूपी पुलिस की तफ्तीश का नतीजा दिखने लगा है। पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 1 रामचंद्र को पुलिस मुख्य अभियुक्त बता रही है। रामचंद्र के पास से पुलिस को देसी पिस्तौल और खून से सना तौलिया मिला है, जबकि हत्या में इस्तेमाल की गई उसकी बाइक की बरामदगी अभी बाकी है। कि अब तक की विवेचना से पूर्व प्रधान की हत्या की घटना के सिलसिले में हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हमने कंट्री मेड पिस्टल जो जिसका हत्या में प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है और साथ ही साथ एक अक्यूज्ड के पास से टॉवल मिला है जिसमें खून है और उसको हम फॉरेंसिक्स के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक रामचंद्र ने ही सुरेंद्र सिंह को गोली मारी और फिर फरार हो गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के 12 घंटे के अल्टीमेटम पर काम करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को पहले ही दिन हिरासत में ले लिया था। इनमें से 3 का संबंध हत्या की वारदात से था। इनके अलावा 2 और आरोपी अभी भी फरार हैं। ये हैं अतुल और वसीम, जिनकी लोकेशन दिल्ली और लखनऊ में पता चली है। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र सिंह की हत्या राजनीतिक रंजिश के साथ ही आपसी रंजिश का भी मामला है। कि अब तक की विवेचना से पूर्व प्रधान की हत्या की घटना के सिलसिले में हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हमने कंट्री मेड पिस्टल जो जिसका हत्या में प्रयोग किया गया था उसको भी बरामद कर लिया है और साथ ही साथ एक अक्यूज्ड के पास से टॉवल मिला है जिसमें खून है और उसको हम फॉरेंसिक्स के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।